बीकानेर में कार्यक्रम चल रहा था। मंच पर माइक थामे मौजूद थे मंत्री रमेश मीणा। कार्यक्रम बीकानेर में था और मंच पर बीकानेर प्रशासन भी मौजूद था। मंच पर कलेक्टर साहब भगवती प्रसाद मौजूद थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि रमेश मीणा को कलेक्टर भगवती प्रसाद पर अचानक गुस्सा आ गया और रमेश मीणा ने भरे मन से कलेक्टर को गेट आउट कर दिया। सरकार का निर्देश है, मुख्यमंत्री का, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? क्या इतने हावी है के स्टेटमेंट सुन नहीं रहे बात को? आप जाइए, क्या तरीका है? दरअसल हुआ यूं कि कार्यक्रम में रमेश मीणा कलेक्टर को कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कलेक्टर साहब फोन पर बात कर रहे थे। इस बात पर रमेश मीणा भड़के और कलेक्टर को जाने को कह दिया, जिसके बाद ये पूरा वीडियो वायरल हो गया और रमेश मीणा ने ब्यूरोक्रेसी के हावी होने का मुद्दा भी उठा दिया। क्योंकि ज्यादातर गांव में महिलाओं के आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत होगी जब उसको रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार के साधन नहीं मिलेंगे। वैसे राजस्थान में पहली बार नहीं जब मंत्रियों और अफसरों के बीच टकराव देखने को मिला हो। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, जहां अक्सर अफसर और मंत्रियों के बीच तनातनी देखने को मिल जाती है। लेकिन अब रमेश मीणा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वहीं बीकानेर कलेक्टर को बाहर बैठाने को लेकर अब मामले ने तूल पकड़ लिया, क्योंकि IAS एसोसिएशन ने घटना पर नाराजगी जाहिर की और अपने विरोध में CM गहलोत को चिट्ठी तक लिख दी है। IAS एसोसिएशन के सचिव समित शर्मा ने CM को चिट्ठी लिखकर घटना की निंदा की है और एक्शन की मांग भी की है।